हिमानी जी बड़ी मेहनत कर रहे हो आप। क्या करें, अब वो पहाड़ों में रहना है तो बहुत सारी स्ट्रगल तो करने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन तो है बट ऑटोमेटिक है नहीं। हेलो नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबडी। वी आर बैक फ्रॉम आवर मॉर्निंग वॉक। अच्छा मौसम है आज का बाहर और हम एक छोटी सी वॉक से वापस आ गए क्योंकि आई वॉजंट फीलिंग लाइक कि थोड़ा लंबा चले, तो मेरी वजह से एक तभी और हम दोनों बस थोड़ा कम वॉक करके बट आ गए। हमारा मॉर्निंग रूटीन हमने मिस नहीं किया बिकॉज लास्ट दो दिन से हम मिस कर रहे थे बिकॉज ऑफ वीकेंड एंड देन फिर एक दिन रेस्ट कर लिया, तो या बैक इन रूटीन। आज है 4th of May, ट्यूसडे है एंड या दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। लेट्स बिगिन द डे। हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ, आ रही हूँ। बाय द वे एकता मैडम इज डूइंग समथिंग गाइज, लेट मी शो यू। शी इज लाइक एज आई एम अ प्लांट मॉमी, शी इज ऑल्सो। और आज वो जंगलों से जहाँ हम वॉक पे जाते हैं वहाँ से वो कुछ उठाकर लेकर आई है। गांव वाला पोजीशन है ये। yes. गांव वाला इस पोजीशन में वैसे बैठना चाहिए, थोड़ा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। हाँ स्टमक के लिए अच्छा होता है। तुम गाना बंद करो, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे वीडियो में। जी मैडम थोड़ी देर के लिए। ओके सो वी हैव पॉट जो कि यहाँ पर था, इसमें कुछ था नहीं। हाँ. तो ये हमारे पास अब प्लांट में हम ये कैक्टस लेके आए हैं। और इससे पहले मिट्टी को खुरेदना पड़ेगा, पहले गंदगी साफ करनी पड़ेगी, गंदगी पूरी साफ करनी पड़ेगी मिट्टी की। हाँ जी। और उसके बाद पहले हमें सॉइल को थोड़ा गीला भी करना पड़ेगा ना। हाँ। इसमें कुछ है ना, ये सब निकाल फालतू के जो लगे हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। अस्तित्व नहीं है ये देखो। Breakfast is ready. We have poha in the house. Yes. And eggs. काफी healthy breakfast हमारा। आप कुछ कहना चाहेंगे 3 cup चाय के बारे में? ये हमारा एक secret दोस्त है जिसके लिए हमने बनाई है। वो आएगा तो पिएगा। है, हम आपको दिखा नहीं सकते। Secret. Don't mislead people. Like, लोग बोलेंगे कोई और रहता है पक्का इनके साथ। Mysterious? नहीं गाइज, ये हमने जस्ट ना ऐसे रख दिया सा। चलो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं गाइज। A few moments later. Sorry guys, आपको डराने के लिए but yeah I put it on some clay mask on my face which is this Nykaa का क्ले मास्क। डेली डिटॉक्स क्ले मास्क है ये, तो डेली तो मैं यूज़ नहीं करती ऐसी सब चीज़ें बट आई हैव दिस, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से कुछ अप्लाई नहीं किया फेस पे, तो लेट्स डू दिस, पुट द मास्क ऑन और फिर अब नहाने जा रहे हैं। नहा धो के आज ब्रेकफास्ट पहले कर लिया, नहा बाद में रही हूँ, थोड़ी उल्टा हो गया आज बट यस, बालों में तेल वेल भी लगा लिया। Let's go. और आज मैंने ये दो चुटियाँ डाल ली है। मैंने बालों में एक्चुअली तेल लगाया था तो आई वाज लाइक कि ओके छोटी करती हूँ, और ऐसा कभी कभी मैं करते रहती हूँ कुछ ना कुछ चेंज, सो दिस इज़ माय लुक फॉर द डे। और एक बात ये थोड़ी सी ऐसी बिन विदाउट कोई तुक नहीं है इस बात का बट फिर भी ये जब से बाल कटवाया ना तब से क्या होता है कुछ भी छोटी वोटी बनाती हूँ इसलिए मैंने थोड़ा कम भी कर दिया बनाना क्योंकि ऐसे निकल जाते हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से निकल जा रहे हैं विच इज़ प्रिटी अनोइंग बट या शौक तो है अपने को
तो अपन तो ऐसे करते रहेंगे। रबड़ भी मिसमैच है काफ़ी, क्योंकि वो भी मेरे पास सेम कलर नहीं थी। बट यू गॉट अ डू वॉट यू वॉन्ट अ डू। हिमानी जी बड़ी मेहनत कर रहे हो आप। क्या करें, अब पहाड़ों में रहना है तो बहुत सारी स्ट्रगल तो करने पड़ेंगे। वॉशिंग मशीन तो है बट ऑटोमेटिक है नहीं, सब कुछ मैन्युअली करना पड़ रहा है। तो मैन्युअली करना पड़ रहा है, ओह गॉड। फिर भी साफ पानी तो निकला नहीं है अभी तक तो नहीं। हमें पता नहीं क्या है, हमें तो आता भी नहीं। इससे चलो हाथ से ही धो ले कपड़े, हो रहा है अब तो। नहीं नहीं अभी रह दो, अभी क्लीन उसमें से निकाल लो फिर ड्रेन कर लेंगे। तो हिमानी जी इस ये मशीन किस लिए है? सिर्फ गोल गोल घुमाने के लिए? इसमें भी वो गोल गोल घूमता है, उसमें भी वो सिर्फ गोल गोल घुमाने। तो ये मशीन का इजाद सिर्फ गोल गोल घुमाने के लिए, स्पिन के लिए हुआ था। So if you wanna go for a ride, come here. Yeah. Come to our washing machine. Yeah, clothes. You wanna go for a ride? Just go and have fun. हमारे साथ तो ride जैसे करता ही नहीं। हम भी इतना घुमाते हैं, इसमें भी घूमता है। Oh God, lucky clothes. काफी lucky हमारे कपड़े। हाँ जी, चलो। Finally, चालू करें। Okay. So, lunch in making. आज lunch में हमारे बन रहा है भिंडी। Here is भिंडी। एक तरह सब कुछ चॉप कर दिया है और यहाँ पर हो रही है दाल एंड आटा लग चुका है, रोटी भिंडी और दाल। हमारा कुकर जो है वो नेचर होम स्टे में रह गया है। सो या एंड एक तरह बर्तन कर रही है। सो यस लंच बनाते हैं फटाफट से, 2:30 बज चुके हैं, लेट हो गया थोड़ा सा हमें लंच करने में। आवर लंच इज रेडी गाइस, ऑल लुकिंग सो टेम्पटिंग। एक्चुअली खाने का इतना मन कर रहा है ना कि इसे दिखाने का भी, बट आप लोग मुझे कंप्लेन करते हो हिमानी खाना बनाने के बाद तो दिखाती नहीं हो। तो हियर यू गाइस, भिंडी की सब्जी, दाल, रोटी और छाछ। अब बस खाने के बाद मिलते हैं, सी यू। कपड़े तो सूख चुके हैं बट यहाँ हो रही है बारिश। आय हाय, मतलब कपड़े डाले हैं एक तने और बारिश लग चुकी है। हल्की हल्की हो रही है, थोड़ी देर पहले बहुत तेज़ हो रही थी। वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है, ग्लूमी ग्लूमी सा, ऐसे मौसम में नींद बहुत आती है। वैसे बाय द वे आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं, यहाँ से ये जो है जहाँ मेरी फिंगर जा रही है ना, दिस वो है जाकू टेम्पल, जहाँ पे बहुत बड़े बजरंग बली की मूर्ति है, वो वहाँ पर है। उसके नीचे की तरफ है मॉल रोड। तो इस वाले पहाड़ में सारा शिमला एक्चुअली बसता है। ये भी शिमला ही है बट दैट्स द मेन पार्ट ऑफ शिमला। ऐसे मौसम में ना मैं सो गई थी, खाना खाया इतना अच्छा वाला कि नींद आ गई। ऐसे बिस्तर पर मैं लेटी हुई थी, लेटे लेटे मुझे नींद आ गई और बज गए 6:30। आई मीन 5 बजे सोई, 6:30 बज गए। अभी उठे हैं, थोड़ा सा रेडी हो गई हूँ। बाहर अभी भी बारिश हो रही है। आई हैव थोड़ा सा वॉक जिसके लिए, डिस्कशन के लिए मुझे नेगी होम स्टे जाना है। सो आई एम गोइंग देयर। सो या लेट्स गो गाइज़। सो वी आर बैक होम। एक्चुअली गए और वापस आ गए, क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। यहाँ हो रही है बारिश, एज लाइक कि ओके जाएंगे वहाँ पर थोड़ा सा बैठ के चिल मारेंगे, और हाँ थोड़ा काम था बस वही किया। और बारिश हो रही थी, सारे लोग थोड़ा हौच पोच हो गया, और कॉफ़ी पी जल्दी से और बस आ गए थोड़े पकौड़े वकौड़े खा के। और मैं कुछ छूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मीन वाइल जब वो पकौड़े और कॉफ़ी चल रही थी तब मैं कुछ काम कर रही थी, आई वॉज टाइपिंग समथिंग, कुछ डिस्कशन चल रहा था। बिकॉज यस
जून में हम जाने वाले हैं एक्सपेडिशन के लिए लेह लद्दाख और ज़ांस्कर. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड और आप लोगों को अगर जाना है और या इफ़ आपको उसके बारे में कोई भी डिटेल्स पता करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक नंबर छोड़ा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रे गोस्ट एक्सपेडिशन, तो यस मैं भी जाने वाली हूँ इस एक्सपेडिशन में. तो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन दिस ट्रिप, 12th-19th ऑफ जून की ये ट्रिप है. सो या कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप डिटेल्स के लिए. अभी बज रहे हैं 9:15 हो रहे हैं और कुछ खास खाने का मन नहीं है क्योंकि पकौड़े वगैरह खा लिए थे, तो बस अब थोड़ी देर में सो जाएंगे. थोड़ा काम है मेरा एडिटिंग का, वो करूँगी. और नहीं करने का मन हुआ तो कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ लगाऊँगी क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है ना, आई मीन एकदम सुहाना सुहाना सा, तो ठंड लग रही. मस्त ब्लैंकेट ओढ़ के देखो ऐसे बैठी हुई, ब्लैंकेट ब्लैंकेट ओढ़ के चेंज करूँगी, ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से पड़ जाऊँगी. तो या दिस इज़ द प्लान फॉर द नाइट और विल सी यू टुमारो गाइज. होप यू लाइक दिस व्लॉग. फॉर व्हाट सो एवर रीजन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी. विल सी यू विद अनदर वीडियो. टिल देन टाटा बाय बाय नमस्ते.